जब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तब से एक ही सवाल सबके मन में घूम रहा है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, बता दें कि बीते दिनों मुंबई में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को एक रेस्टोरेंट के बाहर एक नहीं बल्कि दो बार स्पॉट किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तभी से दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं और अब तो ये सुर्खियां ट्विटर पर भी खूब ट्रेंड कर रही हैं। वो कैसे, ये आपको बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद और राघव चड्ढा के साथी संजीव अरोड़ा ने दोनों को ट्विटर पर बधाई दी है। संजीव अरोड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को बहुत बधाई देता हूँ, भगवान करे उनका साथ और प्यार यूं ही बना रहे। आप सांसद संजीव अरोड़ा ने अपने इस ट्वीट में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को भी टैग किया है, लेकिन संजीव अरोड़ा ने जब से ये ट्वीट किया है तभी से सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ सी आ गई है और सोशल मीडिया यूजर्स यही सवाल कर रहे हैं कि क्या राघव और परिणीति ने शादी कर ली है। बहरहाल इस पूरे मामले में ना तो राघव चड्ढा और ना ही परिणीति चोपड़ा किसी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन फिलहाल तो नहीं आई है, लेकिन आपको याद दिला दें कि इन दोनों के बीच जो भी खिचड़ी पक रही है वो संसद के गलियारों तक भी गूंज चुकी है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें राज्यसभा के चेयरमैन राघव चड्ढा द्वारा लाए गए एक बिल का जिक्र करते हैं और जैसे ही इस बिल पर राघव चड्ढा कुछ कहने के लिए खड़े होते हैं तो जगदीप धनखड़ उनकी बात को काटते हुए कहते हैं, आपको सोशल मीडिया पर काफी स्पेस मिल रहा है, आज का दिन शायद आपकी चुप्पी का है। बस उपराष्ट्रपति के इतना कहते ही सदन में ठहाके लगने लगते हैं। राघव चड्ढा टू डिस्कस द विड्रॉवल ऑफ रेड कॉर्नर नोटिस इश्यूड बाय इंटरपोल इन द नेम ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर मेहुल चौकसी who is involved in a fraud of rupees 13,500 crores on account of Indian government's failure to put a strong case before Interpol and inability of government in extraditing Mehul Chokshi. Sri, you already have been in, you occupied enough space in social media. This may be a day of silence for you. तो वहीं राघव चड्ढा का परिणीति चोपड़ा के साथ वीडियो वायरल होने के बाद जब राघव चड्ढा अगले दिन संसद में पहुंचे तो उनसे परिणीति चोपड़ा से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने ये कह दिया कि मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिणीति के नहीं। सुनिए जरा। सर, आपकी शादी हो रही है परिणीति चोपड़ा से, ऐसे सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। आप मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिणीति के नहीं। क्यों, आप अभी देखा गया आपको मुंबई में कि दोनों साथ में आप लोग थे, क्या ये शादी की खबर सही है? आप जैसा कि मैंने कहा, आप राजनीति के सवाल करिए, परिणीति के मत करिए। आप शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपको बताएंगे जब करेंगे। ये झूठ खबर है, सही है? आपको बताएंगे जब करेंगे। क्या है लेकिन सर, आप क्यों इसको सस्पेंस बनाए रखना? सस्पेंस नहीं, हमें तो कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा जब करूंगा। ये खबर झूठी है। अब राघव चड्ढा भले ही परिणीति के सवाल को टाल गए, लेकिन परिणीति का नाम आते ही अपने चेहरे पर आई मुस्कुराहट को छिपा नहीं पाए, जिसके बाद ये चर्चा और भी तेज होने लगी कि क्या वाकई दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि राघव चड्ढा ने इस बात से इनकार नहीं किया और ना ही कोई सीधा जवाब दिया। हालांकि दोनों के वायरल वीडियो के बाद अभी तक दोनों के डेट करने वाले कयास पर परिणीति चोपड़ा का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों का वीडियो वायरल होने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई आखिर दोनों की मुलाकात किस बात को लेकर हुई, और अगर दोनों के बीच कुछ भी नहीं है तो अभी तक दोनों की तरफ से इसे लेकर कोई खंडन क्यों नहीं किया गया। खैर, देखते हैं अब इस राज से पर्दा कब उठता है कि क्या ये कोई नॉर्मल मुलाकात थी या फिर बात कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।